हेलो दोस्तों, ये हमारा फायर सेंसर अलार्म। जी हाँ, और अब ये देखिए लाइटर क्या जैसी हमारी सेंसर के ऊपर गिरती है, ये देखिए हमारा अलार्म बजने लगता है। जी हाँ, और जैसे ही यह घटती है तो ये देखिए हमारा अलार्म बंद हो जाता है। जी हाँ, ये दोस्तों कमाल का प्रोजेक्ट है और इसे बनाना भी बड़ा ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए फायर सेंसर, ये हमारा पैकेट में आता है और तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए देखने में कुछ ऐसा लगता है। जी हाँ, और अब लेते हैं एक रेसिस्टर। जी हाँ, और अब लेते हैं एक ट्रांजिस्टर BC547 का। जी हाँ, और अब लेते हैं रेड कलर का बल्ब क्योंकि यही अच्छा लगता है। और अब लेते हैं बैटरी कैप जिसमें तार लगी हैं, और अब पावर देने के लिए लेते हैं बैटरी। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले लेते हैं BC547 ट्रांजिस्टर, तो अब लेते हैं रजिस्टर और उसे ट्रांजिस्टर के ए और बी में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने जोड़ दिया है। और अब लेते हैं फायर सेंसर, ठीक है, और इसका पॉजिटिव वाला बी में जोड़ देते हैं ट्रांजिस्टर के। ठीक है, और अब लेते हैं बजर। जी हाँ, और अब फायर सेंसर का और बजर का निगेटिव दोनों जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब बजर का पॉजिटिव हम सी से जोड़ देंगे। और अब लेते हैं एक बल्ब। जी हाँ, और बल्ब को हम बजर के पॉजिटिव से और बजर के निगेटिव से दोनों से जोड़ देंगे। ठीक है, और अब लेते हैं बैटरी कैप और इसका पॉजिटिव जोड़ देंगे हम ए से। जी हाँ, ट्रांजिस्टर के, और इसका निगेटिव जोड़ देंगे बजर के निगेटिव से। ठीक है, ये देखिए मैंने जोड़ दिया है। तो हमारा सर्किट अब पूरा हो चुका है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। जी हाँ, तो लकड़ी का एक प्लाई लेते हैं और इस पर हम इसे अच्छे से सेट कर देते हैं। और ये देखिए मैंने अच्छे से सेट कर दिया, ये हमारा बजर है। और मैंने अपने ट्रांजिस्टर रेसिस्टर को टेप की मदद से चिपका दिया है। जी हाँ, और अब ये हमारी बैटरी और ये हमारा फायर सेंसर। जी हाँ, तो चलिए मैं बैटरी के तार कनेक्ट कर देता हूँ। और अब लेते हैं एक लाइटर आग के लिए। जी हाँ, और इस आग को मैं फायर सेंसर के ऊपर रखता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारा अलार्म बजने लगता है। जी हाँ, और हमारी लाइट भी जल जाती है दोस्तों। और जैसे ही हमारी फायर हटती है तो ये देखिए हमारा अलार्म बंद हो जाता है। और अगर मैं फिर से आग को फायर सेंसर के ऊपर रखता हूँ तो ये देखिए हमारा अलार्म फिर से चलने लगता है। जी हाँ, और जैसे ही मैं आग को हटाता हूँ तो ये देखिए हमारा अलार्म बंद हो जाता है। नहीं दोस्तों, एक कमाल का प्रोजेक्ट। तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो दोस्तों आज हमने 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।